कि सीजर्स या फिट्स के कितने टाइप हो सकते हैं। तो बेसिकली मिर्गी के दो टाइप्स होते हैं, एक हम बोलते हैं पार्शियल या फोकल मिर्गी और दूसरा होता है जनरलाइज्ड मिर्गी। तो पार्शियल या फोकल मिर्गी में शरीर का सिर्फ एक ही हिस्सा अफेक्ट होता है, जैसे हाथ में जर्किंग होगा, पैर में जर्किंग होगा, चेहरे का जर्किंग होगा या ट्विचिंग होगा, और ये कुछ सेकेंड्स या एक दो मिनट ले रहते हैं फिर ठीक हो जाता है। इसमें मरीज का होश नहीं जाता, मरीज पूरी तरह से होश में रहता है। जो दूसरा टाइप होता है मिर्गी का, उसे बोलते हैं जनरलाइज्ड मिर्गी। इसमें क्या होता है, पूरा हिस्सा, दोनों हाथ दोनों पैर में कंपन होते हैं और ये कंपन कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट ले रह सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि मरीज होश में नहीं रहता, वो बेहोश हो जाता है और फिर कुछ मिनट के बाद वो होश में आ सकता है। और ये दोनों के अलावा एक और टाइप, थर्ड टाइप भी होती है, जिसे बोलते हैं पार्शियल ऑनसेट विथ सेकेंडरी जनरलाइजेशन। तो स्टार्टिंग में सिर्फ बॉडी का एक ही हिस्सा जर्क करता है, लेकिन कुछ सेकेंड या मिनट के बाद वो दूसरा साइड भी अफेक्ट हो जाता है और फिर मरीज बेहोश हो जाता है। तो शुरुआत में पार्शियल या फोकल होता है, लेकिन फिर जनरलाइज हो जाता है। तो ये तीन टाइप होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। और मिर्गी का कारण क्या है, उसके हिसाब से दो टाइप के मिर्गी हो सकते हैं। अगर मिर्गी का कोई नोन कारण नहीं है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एपिलेप्सी, अगर प्राइमरी मिर्गी। अगर मिर्गी का कोई नोन कारण है, जैसे ब्रेन में इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, या क्लॉटिंग है, या ब्रेन में चोट लग गया और तब मिर्गी हो रही है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी एपिलेप्सी। धन्यवाद।